हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुशांत और आप देख रहे हैं हॉरर पॉड स्टोरी। दोस्तों, पिछले कई वीडियो में मैंने आपको कई रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताया है। दोस्तों, आज भी मैं आपके सामने एक ऐसी रहस्यमय घटना को लेकर आया हूं जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, चलिए समय बिना गवाए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। 31 अक्टूबर 1936 की खूब अंधेरी रात, यानी आत्माओं को बुलाने की रात। अमेरिका में इसे हैलोवीन नाइट कहते हैं और यह हर साल मनाई जाती है। पुरुष और औरतें गोलाकार मेज के इर्द गिर्द हाथ पकड़े बैठे थे। इंतजार था संदेश का, एक संदेश पाने के लिए बीते 10 सालों का लंबा इंतजार, लेकिन संदेश नहीं आता है। आखिरकार एक औरत उठी और रेडियो श्रोताओं से कहने लगी, हाउडिनी नहीं आ पाया। लंबी सांस भरकर वह आगे बोली, मेरी आखिरी आस भी गई। दिया पिछले 10 सालों से जलता रहा है, पर आज इसे बुझा रही हूं। सब खत्म हो चुका है, गुड नाइट हैरी। दोस्तों, यह औरत थी गायब होने वाली रहस्यमय करतब दिखाने वाले मशहूर अमेरिकी जादूगर हैरी हाउडिनी की पत्नी मिस हाउडिनी। मृत पति से मुलाकात की कोशिश हाथ से निकल गई थी। वह 1927 से लगातार हर साल 31 अक्टूबर की रात से इस रात तक तंत्र मंत्र के जरिए आत्मा बुलाने की जीतोड़ कोशिश करती रही, ताकि हैरी हाउडिनी की आत्मा से मिल सके और उससे बातें कर सके। पर अफसोस, वह कभी नहीं आया। उल्लेखनीय है कि 31 अक्टूबर 1926 को 52 साल की उम्र में जादूगर हैरी हाउडिनी की अचानक से मौत हो गई थी। मरने से कुछ पहले वह जादूगर अपनी पत्नी बेस से बोला, अगर आ सका तो मैं लौटूंगा और उस पार से बात करूंगा। दोस्तों, जादूगर ने बेस को एक खुफिया कोड भी बताया था। कोड की बाबत सिर्फ पति पत्नी को ही पता थी। हालांकि हैरी दावे के साथ तो नहीं कहता था कि मरने के बाद जिंदा लोगों से संपर्क सूत्र बनाया जा सकता है, फिर भी उसे पूरा यकीन था कि अगर किसी के लिए लौटना मुमकिन है तो वह रास्ता जरूर निकाल लेगा, क्योंकि उसे स्टेज शो के दौरान मंत्र उच्चारण कर आत्माओं को बुलाने और गायब करने की खासा महारत हासिल थी। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कईयों ने जंग में मरे अपने रिश्तेदारों के संवाद बनाने के दावे किए। 100-125 साल पहले जादूगर हैरी हाउडिनी ने अमेरिका के तमाम शहरों में आत्माओं के हैरतअंगेज करतब दिखाकर तहलका मचा दिया। सन 1889 में उसने कैलिफोर्निया कॉन्सर्ट कंपनी के लिए एक स्पेशल संडे नाइट शो किया। शो के दौरान उसे कुर्सी से बांध दिया गया और देखते ही देखते वहां रखी मेज हवा में उड़ने लगी। वाद्य यंत्र खुद ब खुद बज उठे। शो सुपरहिट रहा। तभी हाउडिनी को वेल्स ब्रदर ने सर्कस के लिए अनुबंधित कर लिया। अगले ही साल उसकी जादूगरी का बिगुल बज उठा। इसी दौरान उसका एक शो फिंगर प्रिंटिंग ऑफ स्प्रिट्स खूब चला। फिर 1920 के बाद हैरी हाउडिनी आत्माओं को बुलाने वाले ओझाओं, जादूगरों और तांत्रिकों वगैरह की खुलकर मुखालफत करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि सगे संबंधियों के आत्माओं को बुलाने का नाटक रचना दुखी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। एक जादूगर की हैसियत से वह जानता था कि तमाम जादूगरियां महज एक ट्रिक्स है। सन 1922 में साइंटिफिक अमेरिकन पत्रिका ने ओझाओं की कार्यशैली पर पैनी नजर रखने के लिए एक साइको कमेटी बनाई। बागडोर हैरी हाउडिनी को सौंपी गई। दोस्तों, पत्रिका ने कमेटी के कसौटी पर खड़े उतरने वाले सुपर नेचुरल दावों पर लगभग $2500 के इनाम की घोषणा की। बावजूद इसके इनाम कोई नहीं जीत सका। सारे अमेरिका में बहस छिड़ गई। हैरी हाउडिनी पर ओझाओं के तीखे वार चले। एक ओझा मीना क्रेंडॉन ने मशहूर जासूसी लेखक सर आर्थर कैनन डायल का हवाला देकर साइंटिफिक अमेरिकन की साइको कमेटी की कड़ी आलोचना की। उसके कई लेख बोस्टन हेराल्ड अखबार में छपे। हालांकि बेस हाउडिनी ने अपने जादूगर पति की आत्माओं को बुलाने की कोशिशें बंद कर दी थी, लेकिन दूसरे लोगों ने जारी रखी। दोस्तों, असल में बेस ने अपने जादूगर पति द्वारा बताया गया खुफिया कोड सार्वजनिक कर दिया था। सन 1929 में एक नौजवान ओझा आर्थर फोर्ड ने हैरी हाउडिनी की आत्मा से कोड के माध्यम से बातें करने का दावा किया। दोस्तों, उधर बेस हाउडिनी तो अपने पति की आत्मा को नहीं बुला पाई, लेकिन
31 अक्टूबर की परंपरा निभाने का जिम्मा दूसरे जादूगर वाल्टर गिब्सन को सौंप दिया गया। दोस्तों, साल दर साल गिब्सन ने कुछ और जादूगरों के साथ मिलकर न्यूयॉर्क के मैजिक टाउन हाउस में हाउडनी को बुलाने का प्रयास किया। यकीनी तौर से हैरी हाउडनी ने एक दफा भी नहीं कहा हेलो। तो दोस्तों, ये थी आज की रहस्यमय घटना। दोस्तों, पिछले कई वीडियो में मैंने इसी तरह की रहस्यमय घटनाओं का जिक्र किया है। अगर आपने उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक कर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमय घटना को लेकर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, और अपना ख्याल जरूर रखिएगा।